Deepan Road, Karjan Road, Aurangzeb Road, Babar Road, Humayun Road. तो मैं कैसे मान लूं कि यह देश आजाद हो गया? इसलिए मेरा गंभीर प्रश्न यह है कि इस देश में कोई आजादी आई नहीं। हम शरीर से आजाद हुए लेकिन मानसिक रूप से आज भी हम गुलाम हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में 6,32,000 क्रांतिकारियों ने अपनी जवानी दांव पर लगाई इस देश के लिए। क्या उनके नाम पर इन जगह के नाम नहीं रखे जाने चाहिए? इन सड़कों के नाम नहीं रखने चाहिए? इन भवनों के नाम नहीं रखने चाहिए? मेरा गंभीर सवाल आप सबसे ये है, इस पर चिंतन मनन जरूर करिएगा। इसलिए मेरा दिल बिल्कुल आज बहुत उदास है, मेरा दिल अंदर से भरा हुआ है, इसलिए मैं इस आज के दिन को नहीं मनाता। मैं तो जो मनाता हूं, आज से 3 दिन पहले एक क्रांतिकारी का जन्मदिन था जिसको कहता हूं मैं नेताजी। इस देश में मैं एक ही व्यक्ति को नेता मानता हूं जिसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। उसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे कि सिर्फ 7 महीने की तैयारी करने के बाद अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए उस व्यक्ति ने ICS के एग्जाम को क्रैक किया। और उस समय ICS को एग्जाम को क्रैक करना आसान नहीं था। आज तो IAS कोई भी बन जाता है, IAS बनना आज बड़ा काम नहीं है। हजारों हजारों बनते हैं, दिल्ली में बनते हैं, मध्य प्रदेश में, हर स्टेट में IAS बनते हैं। उस जमाने में 4th रैंक आया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। और उससे भी बड़ा काम, उन्होंने नौकरी करने से मना कर दिया। आज गंभीरता से यह सोचने की बात है, ICS कितनी बड़ी नौकरी होती है। लेकिन नेताजी का कहना था, जिन अंग्रेजों ने मेरी भारत माता को गुलाम बनाया हुआ है, उन अंग्रेजों के हाजी हुजूरी करने के लिए अगर मुझे ये नौकरी करनी पड़ेगी तो मेरा दिल गवाही नहीं देता, इसलिए मैं ये नौकरी को लात मारता हूं। तो इसलिए इस देश में कभी भी अगर नेताजी कहोगे तो सिर्फ सुभाष चंद्र बोस को बोलना। ये नेता नहीं है आजकल। आजकल के नेता 5 साल की योजना करने के बाद उनकी संपत्ति में 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना वृद्धि हो जाती है। और जब हम कोई सामाजिक काम करने निकलते हैं तो हमारे पास पैसे बढ़ते नहीं, ये घटते हैं। इस पर गंभीरता से विचार करिए। तो नेता किसे कहना चाहिए, नेता कौन होता है? नेता वो होता है जो देश के लिए सैक्रिफाइस करता है, देश के लिए अपनी जवानी दांव पर लगा देता है, अपना घर बार छोड़ देता है, अपने परिवार को छोड़ देता है, नेता उसको कहना चाहिए। इसलिए नेता किसी को भी मत कहिए आप, नेता बहुत पवित्र शब्द है। ठीक है, अब मैं दूसरी बात करता हूं। सभी जो माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, क्योंकि मुझे 10-15 मिनट के समय का आदेश दिया है परवीन भाई ने और मेरे सभी भाइयों ने, इसलिए मुझे समय का भी ध्यान रखना है। 15 मिनट में मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। स्वास्थ्य के लिए हमारे शरीर में आयुर्वेद के अनुसार 3 चीजें होती है, वात, पित्त और कफ। हमारा जो आयुर्वेद है, हमारी जो प्राचीन जो व्यवस्था है, भारतीय जो चिकित्सा है, उसको आयुर्वेद कहते हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में वात होता है, पित्त होता है और कफ होता है। अगर ये तीनों सम मात्रा में रहते हैं तो हमें कभी कोई बीमारी नहीं आती। मान लो वात बढ़ जाता है तो वात संबंधी बीमारी आती है, पित्त बढ़ जाता है तो पित्त संबंधी बीमारी आ जाती है, और कफ बढ़ जाता है तो कफ संबंधित बीमारी आती है। इस प्रकार से तो वात, पित्त, कफ हमारे संतुलित रहे, इसके लिए मैं कुछ औषधि, कुछ माहिती आपको देना चाहता हूं। वात नाशक, वात का नाश करने वाली सबसे बेहतरीन चीज जो हमारी रसोई में है, उसका नाम है तेल। तेल, लेकिन तेल कौन सा? कच्ची घानी से शुद्ध सरसों का निकला हुआ सीधा सीधा तेल, जिसमें कोई भी केमिकल ना मिला हुआ हो। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप शुद्ध तेल खाएं। गलती से भी रिफाइंड, डबल रिफाइंड, डालडा ना खाएं। दूसरा वातनाशक जो चीज है वो है चूना। बहुत सस्ती चीज है चूना, अंग्रेजी में कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम। ये भी वात का नाश करने वाली बहुत बेहतरीन चीज है। तो चूना आप घर में ले आए पान की दुकान से, और उस चूने का सेवन आप करें गेहूं के दाने के बराबर। कैसे करें? पानी में डाल के ले सकते हैं, छाछ में ले सकते हैं, दही में ले सकते हैं, दूध में नहीं ले सकते। लेकिन जिसको पथरी है वो चूना ना खाएं, ये मेरा निवेदन है। जिसको भी पथरी, स्टोन की प्रॉब्लम है, वो चूना ना खाएं। तो वात का नाश करने के लिए 2 चीजें मैंने आपको बताई, एक शुद्ध तेल और एक चूना। वैसे तो सैकड़ों चीजें हैं,
तो लंबा चला जाएगा मेरा ये थोड़ा सा व्याख्यान, तो दो चीजें याद रखें। अब आते हैं पित्त पे। पित्त का नाश करने के लिए हमारी जो रसोई में सबसे अच्छी चीज हमारे जो ऋषि मुनि वाग्भट निघंटु सुश्रुत सभी ने बताई है, वो है पित्त को नाश करने वाली गाय का घी। लेकिन गाय कौन सी? देशी गाय। तो अगर आप पित्त की बीमारी से बचे रहना चाहते हैं, आपको पित्त की 28-30 जो बीमारियां हैं अगर वो ना हो तो देशी गाय का घी खाइए। और दूसरी पित्तनाशक जो दूसरी चीज है सबसे अच्छी आपके घर में, वो है अजवायन। तो अजवायन का सेवन आप करें, ठीक है। तीसरी चीज आता हूं कफ। ये जो खांसी जुखाम दम्मा अस्थमा इस तरह की बीमारी है, कफ का नाश करने के लिए आपके घर में सबसे अच्छी चीज है गुड़। लेकिन गुड़ कौन सा? फिर वही बात आई, लाल रंग का चॉकलेट कलर का गुड़, सफेद गुड़ ना खाएं। गुड़ कफ का नाश करने के लिए सबसे बेहतरीन औषधि बताई वाग्भट ऋषि ने। अगर आप कफ की बीमारी से बचना चाहते हैं तो अपने बच्चों को गुड़ खिलाएं। अभी प्रवीण भाई को मैं सुन रहा था, इन्होंने बार बार आपको कहा कि चीनी ना खाएं। चीनी हमारे शरीर में पेट में जाके एसिड में डिसइंटीग्रेट होती है और एसिडिटी की लगभग बहुत सारी बीमारियों से आपको गैस बनना, ये बनना, वो बनना और फिर बाद में जाके बवासीर भगंदर पता नहीं क्या क्या लंबी बीमारी। तो आप गुड़ खाएं, गुड़ सीधा सीधा, इससे किसानों को फायदा होगा। गांव में जाइए, वहां अपने सामने गुड़ बनवाएं। दूसरी कफ नाशक जो सबसे अच्छी चीज है जो कफ का नाश करती है आपके, वो है गुड़ के बाद शहद। लेकिन शहद भी शुद्ध शहद। तो आपके संपर्क में कोई भाई है कहीं राजस्थान के हैं वहां के हैं तो वहां से शहद लाइए। तो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को शहद खिलाइए। तो आपको याद रहे मैंने बताया वात का नाश करने के लिए शुद्ध सरसों का तेल खाएं, गलती से भी रिफाइंड ना खाएं, और इसके बाद चूना खाएं। उसके पित्त का नाश करने के लिए देसी गाय का घी खाएं, और देसी गाय के घी के बाद मैंने कहा अजवाइन खाएं, और इसके बाद कफ का नाश करने के लिए अपने बच्चों को अपने परिवार में हमेशा गुड़ खाएं, और उसके बाद शहद खाएं। कुछ ऐसी भी औषधि है जो वात पित्त और कफ तीनों को सम में रखने की ताकत रखती है आयुर्वेद में। वात पित्त और कफ तीनों से संबंधित जो 148 बीमारी है, अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो मैं जो दो माहिती आपको दे रहा हूं उनको ध्यान से सुने और उनको कल से अपने घर में शुरू कर दे। पहली औषधि है त्रिफला चूर्ण। त्रिफला, ये जो त्रिफला है ये तीन फलों का संगम है, हरड़े बहेड़ा और आंवला। हरड़े बहेड़ा और आंवला। लेकिन जब ये चूर्ण आप ले तो इसकी अनुपात ध्यान रखें। अनुपात माने इनका रेशो, रेशो होना चाहिए 1:2:3 का। जैसे उदाहरण के तौर पे समझाता हूं, 100 ग्राम हरड़े ले आए, 200 ग्राम बहेड़ा, 300 ग्राम आंवला, इनको घर पे लाए, इनको चूर्ण बनाए, मिक्सी में पीस ले और उसके बाद उस चूर्ण को शाम को दूध के लिए, दूध के साथ सेवन करें, तो आपका वात और पित्त और कफ तीनों सम में रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक दूसरी औषधि और है जो आपके वात पित्त और कफ को कंट्रोल करती है, वो है देशी गाय का मूत्र। देशी गाय का मूत्र, मैं पिछले 5 वर्षों से देशी गाय के मूत्र को पीता हूं और मैं ईमानदारी से कहूं 5 साल से मुझे कभी खांसी जुखाम भी नहीं हुआ। 5 साल से मैंने कोई सिंगल टैबलेट भी नहीं ली। तो इसलिए अगर आपको स्वस्थ रहना है तो बिल्कुल फ्री की औषधि आपको बता रहा हूं, देशी गाय का मूत्र पीना शुरू कर दें। मिलता है, जब मुझे मिल सकता है नरेला में तो आपको भी मिल सकता है। प्रवीण भैया से संपर्क कर लेना, ये अवेलेबल करा देंगे। कई गौशालाओं में इनके बहुत अच्छे संबंध है, कभी कभी मैं भी जाता रहता हूं इनके साथ, तो गोमूत्र या गोअर्क अवेलेबल। लेकिन शुरू कर दें, आपके कंधे दुखना, जंगा दुखना, ये दुखना, वो दुखना, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, सारी बीमारी, बवासीर, फिस्टुला, भगंदर, सब बीमारी का जड़ से नाश करने की ताकत है देशी गाय के मूत्र में। तो ये चीजें मैंने आपको बताई और आपको मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, पिछले 5 वर्षों से मैंने आयुर्वेद की बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी। मैंने अष्टांग हरदम भी पढ़ा, मैंने राजीव दीक्षित जो जिन्होंने अष्टांग हरदम के बारे में इस भारतवर्ष में घूम घूम के सभी को स्वास्थ्य के लिए, आयुर्वेद के लिए हम लोगों को जानकारी दी, उनको एक ईमानदार विद्यार्थी की तरह पढ़ा और आज भी पढ़ रहा हूं।
और वो बातें मैं आपसे ईमानदारी से शेयर कर रहा हूं कि अगर आपको आगे भी स्वास्थ्य के ऊपर कोई चर्चा करनी है, कोई सत्र करना है, तो हमारे प्रवीण गैया जी खड़े हैं, इनसे आप बात कर लें। तो हम, मेरे कुछ और भाई भी हैं जो हम घूम घूम के अपनी बातें करते रहते हैं, भारतीयता की बातें करते रहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बातें करते रहते हैं नरेला में, नरेला के आसपास। तो आगे भी आप इकट्ठे होके प्रवीण दैया जी और ये भाई बैठे हुए हैं कमल भाई जी, तो इनसे एक स्वास्थ्य के ऊपर भी इस तरह का एक व्याख्यान, एक इस तरह का कार्यक्रम करा सकते हैं। जो भी जिस भाई को बहन को कोई भी बीमारियां हैं उसके बारे में हम आपको पूरा अपना 5 साल के अंदर जो एक ईमानदार विद्यार्थी की तरह जो मैंने पुस्तकों से ज्ञान लिया है वो मैं आपको निशुल्क प्रोवाइड करूंगा, आप तक पहुंचे, आप स्वस्थ हो, ठीक है। तो आप प्रवीण दैया जी से, कमल भाई जी से, इन भाइयों से बात करके आगे भी आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। पुनः मैं सभी विद्यार्थी जिन्होंने इसमें भाग लिया, इनके माता पिता अभिभावक जो आए और इतना कीमती समय निकाला, और RWA जो ग्रीन वैली अपार्टमेंट के, इन्होंने जो कीमती समय दिया, हमारा मनोबल बढ़ाया, तो मैं सबका पुनः बहुत आभार व्यक्त करता हूं दिल से। और इन चारों भाइयों का जिन्होंने इस सुंदर कार्यक्रम को तन मन धन से किया ताकि बच्चों के अंदर भारतीयता आए, माता पिता को भी पता चले, संस्कार आए, तो इनका भी मैं पुनः बहुत आभार करता हूँ दिल से, मैं इनका बहुत आभारी हूँ। अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूँगा। वंदे मातरम, गो माता की जय।